दर नमस्ते ससिया मैं हूं सी संकल्प कांस्टिया स्वागत है आपका इस नए सेशन में ऑन स्टेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट एस एफ एम क्या आप आज और आने वाले दो महीने कुछ नया सीखने के लिए तैयार है yes, then, started, so, हूं मैं इस जर्नी uh, के लिए एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद इट ऑन वेलकम ईच वन ऑफ यू लाइव बैच है ये एंड आई कैन सी स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया ज्वाइनिंग इन सो स्वागत है आपका यस लेट्स डू इट सो ऑन आईट गाय संकल्प कांस्टिया और आपको इस जर्नी का मैं स्टार्ट करने वाला हूं सो बाई क्वालिफिकेशन आई एम अ चार्ट अकाउंटेंट एंड अ कंपनी सेक्रेटरी चार्टेड अकाउंटेंट बनने के बाद सो so, बॉम्बे में ही बॉर्न एंड ब्रॉड सो हु पार्ट ऑफ एन एम कॉलेज नर्सिंग मोनजी वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज ऑफ इंडिया एंड वहां से ही मैंने मेरी कॉलेज कंप्लीट की एंड वो करने के बाद आई ज्वाइंट जेपी मॉर्गन मॉगन सो कॉलेज कंप्लीट किया मेरा सी ए कंप्लीट किया बाय द टाइम आई वॉज ट्वेंटी टू एंड देन आई जॉइंट जेपी मॉगन वर्ल्ड बिगेस्ट फाइनेंशियल कंपनी for a span of four years and the passion of teaching took over so journey बहुत सही रही शायद यहाँ पे आना था and that is the reason ऊपर वाले ने बोला कि भाई चल आजा, तेरे को JP Morgan में ही join करवाता हूं which is hardcore into finance अगर आप लोग ने JP Morgan का नाम सुना है तो अच्छी बात है नहीं सुना है तो मैं आपको बता दू Google भी कर सकते हो आप लोग that it is world's biggest फाइनेंशियल एडवाइजरी कंपनी एंड दट इज वेर आई है स्पैन और मैंने जब ज्वाइन किया था ना जेपी मॉर्गन तब सी नी मॉर्गन इज अंपेड स्टेट अमेरिका वहां पर रिसेशन चालू था सो so, बोलते ना कि आदमी का जब बुरा टाइम आता है तब उसके बोलते ना रियल कलर्स दिखते हैं वैसा ही कुछ यूएसए के साथ था तो मैंने जब ज्वाइन किया था तब वहां पर रिसेशन था यूएसए में रिसेशन था तो मैंने वो जर्नी देखी है यूएसए की जो वर्ल्ड का सुपर पावर है कि रिसेशन में क्या हालत थी एक टाइम था जब मैंने जेपी मॉर्गन ज्वाइन किया था हमारी एक आ, एंटिटी फ्लोरिडा में थी पंद्रह लाख रु, आई एन आर रुपए में पंद्रह लाख रुपए में हमारे को वहां पे बोला था कि अगर आपको घर लेना है यूएसए की इतनी बुरी हालत है ज की वजह से वो सब डिस्कस करूंगा लाख रुपए में आपको वहाँ पे एक बीच फेसिंग घर मिल सकता है तब इतना, नहीं था, ना इतना पैसा था सो आई टेक दैट बट दैट इज दैट आई सीन के कैसे अनएम्प्लॉयमेंट फाइनेंस को अफेक्ट करता है that, जो भी मैंने सीखा है आप लोग सब लोग के साथ शेयर करने वाला हूं सो so, ऐसा नहीं है कि यू आर विदर्सन जस्ट यू नो बिकम सी एंड जस्ट टीचिंग यू फ्रॉम द बुक्स I have lived all of this. So, जो भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आप लोग के साथ में डिस्कस करने वाला हूं चार साल मैंने जिया है और उसके बाद जर्नी ऑफ स्टॉक अपन लोग कम्युनिकेशन हर बैच से हर स्टूडेंट से मैं कुछ ना कुछ सीखता ही हूं एंड आई एम श्योर दैट जर्नी विल ऑलवेज बी थे बट लेट सी चलो सो जेपी मोर्गन आपका भी सपना है तो बहुत अच्छी बात है सौम्या एंड लेट्स डू इट सो दैट्स हाउस वहां पर मैंने चार साल काम किया हार्ड कोर फाइनेंस में एंड देन उसके बाद में टीचिंग का एक बर्ग था फ्रेंकली so, स्पीकिंग जब मैं सी ए बनाना तो मैंने तो घर पर जाके यही बोला कि मुझे टीचिंग में ही जाना है बट माई पेरेंट स्पेशली माई फादर कन्विंस मी दैट नहीं भाई तूने सी ए सी एस किया है एंड यू आर गेटिंग गुड जॉब अपॉर्चुनिटीज तो ट्राई कर ले सो so, मेरे पास दो तीन ऑप्शन थे एक ऑप्शन था ऑब्वियसली जेपी मॉर्गन दूसरा ऑप्शन था मेरे पास बिग फोर का तो बिग फोर का भी एक क्रेज रहता है सीए बनने के बाद बट uh, जैसा मैंने बोला कि कहीं ना कहीं ऊपर वाला लिख रहा होता है सब चीजें कि क्यों यहां पे जाना चाहिए so, मेरा ईवाई में हुआ था मेरा केपीएमजी में इंटरव्यू uh, हुआ था बुथ आई वॉज सिलेक्टेड बट कहीं ना कहीं डेस्टिनेशन यहां का लिखा था सो जेपी मॉर्गन इज वॉट गॉट मी इंट्रीड इन टू दिस वर्ल्ड ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड आज आप लोग के साथ उसी चीज को उसी थीम को पकड़ के मैं आगे बढ़ने वाला हूं एक छोटा सा पांच मिनट आप लोग के साथ मैं डिस्कस करूंगा मेरे जेपी मॉर्गन के इंटरव्यू के बारे में शायद आपने सुना हो और अगर नहीं सुना है तो अब सुन लो सो so, जेपी मॉर्गन में मेरा फर्स्ट राउंड था आई बिफोर आई गॉट क्लियर इन दिस वर्ल्ड बिगेस्ट फाइनेंशियल कंपनी ऑफ इंटरव्यू मेरे को देने पड़े थे आ, पहला था एच आर राउंड वेरी गुड सेकेंड सीनियर एच आर राउंड अगेन वेरी गुड मतलब वो दो क्लियर कर लिया उसके बाद में मुझे लगा हो गया गया मेरे को जॉब मिल यार अकाउंटेंट बन गए फाइनेंस का रोल है आराम से दस लाख का पैकेज तो मिलने ही वाले और वो भी आज से मैं कभी दस पंद्रह साल के पहले की बात कर रहा हूं टेन लैक्स ट्वेल्व लैक्स पैकेज वॉज लाइक या हुम सो तो, ऑल सेट था मैं अंटिल आई गेव माई टेक्निकल राउंड का इंटरव्यू सो मैंने अपने टेक्निकल राउंड का इंटरव्यू हुआ तो मैं बोलना फर्स्ट दो राउंड एच आर सीनियर एच आर इंटरव्यू वॉज वेरी गुड फिर जब टेक्निकल राउंड का इंटरव्यू हुआ तो मेरे सामने दिग्गज बैठे थे जेपी uh, मॉर्गन के वन वॉज ऑल्सो चार्टर्ड अकाउंटेंट ट्वेंट टू ट्वेल्व इक्सपीरियंस मी वन वॉज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कंपनी आई आई एम एंड So, इंटरव्यू चालू था फर्स्ट क्वेश्चन जो मेरे को पूछा गया इंटरव्यू में वो था मिस्टर संकल्प कांस्टियाली मेरा अच्छा था एज आई टोल्ड यू क्लियर हो गया था मेरा सी ए सी एस एकदम थ्रू एंड थ्रू अटेम्प्टो देवर वेरी इंप्रेस्ड एंड उससे मुझे कॉन्फिडेंस मिला कि यार बॉस अब तो जॉब अपना ही है उन्होंने मुझे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा फर्स्ट क्वेश्चन मैंने पूछा कि संकल्प प्लीज रन अस थ्रू योर सीवी सो मैंने पूरा बताया अपने बारे में जैसा आप लोग को बताया एंड देन फिर मैंने उनको एक चीज बोली कि सर आई वॉन्ट टू बिकम अ इन्वेस्टमेंट बैंकर इन माई प्रोफेशन सो मुझे एक इन्वेस्टमेंट बैंकर बनना ज्यादा उस इन्वेस्टमेंट बैंकिंग होता क्या आइडिया नहीं था फ्रेंकली बोलते अब सीए बने थे जस्ट बट सुना था कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग मतलब एकदम सूट बूट में आना आया कि नहीं है वैसा कुछ एकदम सीन uh, था एंड यू गेट गुड पैकेज ठीक है सो अपना सपना मनी मनी मारवाड़ी आदमी है तो आपको तो पता ही है राइट सो आई जस्ट सर आई वॉन्ट टू बी इन द फील्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग असेट मैनेजमेंट ये सब मुझे करना है उन्होंने बोला वेरी इंप्रेसिव लेट स्टार्ट द टेक्निकल राउंड इंटरव्यू बोला ये सर डेफिनेटली आई एम रेडी फॉर इट उन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन मुझे पूछा के इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की आपने बोला उन्होंने मुझे पहले क्या बोला कि आप स्टार्ट करो आप आपके बारे में कुछ बताओ तो मैंने अपने बारे में बताया और मैंने उनको बोला कि भाई मुझे तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाना है तो उन्होंने उसी को पकड़ा और उन्होंने बोला कि संकल्प इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की पूरे लास्ट एक साल में टॉप थ्री डील्स बता दे टॉप थ्री इन्वेस्टमेंट बैंकिंग डील्स बता दे अब इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया था, था। बट इन्वेस्टमेंट बैंकिंग डील्स में क्या हो रहा है मर्जर्स एंड एक्विजीशन उन्होंने बोला मर्जर्स एंड एक्शन इंडिया में क्या क्या हुआ है बता जरा थोड़ा हम लोग को उसके बारे में भाई तुझे इन्वेस्टमेंट बैंकर बनना है

अगेन आई को तो पता ही नहीं कौन मर्चेंट बैंकर है क्या इन्वेस्टमेंट बैंकिंग डील्स चल रही है गॉन मुझे लगा गया ये हाथ से जॉब मेरा ड्रीम ड्रीम ही रहने वाला है फिर बाद में थर्ड और एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा अगेन कनेक्टेड टू ऑल ऑफ दिस ने पूछा वॉट इज द बॉल पार्क ऑफ द डील्स दैट है बॉल पार्क बॉल पार्क का मतलब आपको पता क्या मतलब आप लोग के थोड़ा ऊपर लेवल पे था मैं मतलब सी कंप्लीट कर चुका था बट नॉलेज वाइज सिमिलर ही था बॉल पार्क ऑफ द डील्स दैट हैव हैपेंड इन एमएनए अरीना ये उनके क्वेश्चंस थे आई वाज लाइक सर बॉल पार्क का मतलब ही नहीं पता है तो बॉल पार्क ऑफ द डील्स के बारे में मैं क्या बात करूं बॉल पार्क का मतलब होता है कि यू you नो know, uh, क्या अमाउंट पे डील्स क्लोज हुए हैं आई हैड नो आइडिया अब सिर्फ संकल्प को इमेजिन करो फर्स्ट क्वेश्चन फ्रेश संकल्प चार्टर्ड अकाउंटेंट जो पांच मिनट पहले अकेडेमिकली बहुत साउंड था जो पांच मिनट पहले कॉन्फिडेंट था कि बॉस दस बारह लाख का नौकरी तो यू मिल जाएगा तो फर्स्ट क्वेश्चन में संकल्प चुप नो 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 आंसर आंसर क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन नो आंसर बॉस मुझे समझ में आ गया कि यार प्रैक्टिकल नॉलेज तो अपना डामा डोल है क्या करूंगा मैं अब एंड ट्रस्ट मी आई वाज लूजिंग कॉन्फिडेंस बिग टाइम मुझे लगा कि तभी का तभी मैं इंटरव्यू से निकल जाऊं खुद सामने से बोल के बट ठीक है उन्होंने फर्स्ट तीन क्वेश्चन के बाद उनको समझ गया कि यार तो आपने कैसे रिएक्ट किया था भाई रिएक्ट नहीं कर पाया ये धनंजय अच्छा क्वेश्चन पूछ रहे कि सर तीन क्वेश्चन आप तीनों का आंसर नहीं दे पाए हाउ डिड यू रिएक्ट आई वॉज नॉट एबल टू रिएक्ट मतलब लिटरली पसीना गिर रहा था एंड सीरियसली मुझे लग रहा था कि यार कोई मुझे इस मीटिंग से बाहर निकाल दे थैंकफुली uh, है ना एचआर भी बैठा था एन एचआर भी वो सब चीज देख रहा था एचआर वाले दिल के बहुत अच्छे होते हैं तो मुझे कहीं ना कहीं उसके साथ मैंने कनेक्ट किया और मैं बोला कि भाई आंखों में बोल दिया उसको ओके थैंक यू नहीं चाहिए आपकी नौकरी हम थोड़ा और प्रेपरेशन करके आते हैं बट वो है, चार ने मुझे देखा और बोला कि डोंट वरी काम डाउन इट्स ओके यू कैन आंसर वॉट डू आई आंसर तीन क्वेश्चन पूछा तीनों आंसर मुझे नहीं आया फिर उन्होंने और कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस पूछना चालू किया उन्होंने क्वेश्चंस पूछे रिलेटिंग टू प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन हाँ हाँ मतलब उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा तो परफेक्ट आंसर दिया मैंने फिर उन्होंने कुछ क्वेश्चन पूछे रिलेटिंग टू ए एस ट्वेंटी टू जो हमारे टाइम पे डिफर टैक्सेस होता था ए एस नाइनटीन लीजेस से रिलेटेड आई वॉज एबल टू आंसर उन्होंने क्वेश्चन एनपीवी आई आर आर से रिलेटेड वो सब मैं आंसर दे पाया एंड देन फिर मुझे लगा कि हाँ यार कुछ तो आता है मतलब कहीं ना कहीं मेरा बुकिश नॉलेज ठीक था और प्रैक्टिकल नॉलेज में आई वॉज एट अ अट बट थैंकफुली बिकॉज मेरे बाकी सब चीजें अच्छी थी एंड बाई ओवरऑल अकेडमिक्स व डिसेंट आई गॉट सिलेक्टेड बट उस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि यार मार्केट नॉलेज भी होना जरूरी है बिकॉज आज तो चलो इंटरव्यू में ऊपर नीचे हुआ सामने वाले ने मैनेज कर लिया बट कल उठ के जब मैं क्लाइंट को फेस करूंगा एंड इफ आई एम नॉट एबल टू कम्युनिकेट देट केस उससे बुरा क्या होगा सो so दर मैंने उस दिन यू कैन से एक uh, बोलते है ना प्रण लिया बॉस एवरी डे मेरी जिंदगी स्टार्ट होगी इससे और रात भी खत्म होगी इसके साथ आईफोन की बात नहीं कर रहा हूं भाई इकोनॉमिक टाइम्स की बात कर रहा हूं ये देखो इनको आईफोन दिख रहा है ये देखो लो लो भाई मुद्दे पे आ गया यस yes, इससे शादी कर लो। मजा कर मजाक नहीं रहा हूं मैं तुम्हारी लाइफ सेट हो जाएगी बट सर इसमें क्या लिखा है कुछ समझ में नहीं आता है मेरे साथ भी ऐसा हुआ था स्टार्टिंग स्टार्टिंग में एक्चुअली अपने को चीजें समझेगी नहीं तो इंटरेस्ट चले जाएगा सो ये मैंने घर पे जाके भी बोला तो मेरे पापा से भी मेरी बात हुई उनको मैंने बोला कि क्या करूं इसमें से मुझे इतनी चीजें समझ में नहीं आ रही इवन दो आई हैव दोड माई सी तो पापा ने बोला तुझे किस चीज में इंटरेस्ट है तो मैंने बोला पापा आपको तो पता ही है कि मुझे तो यार मूवीज देखने में और क्रिकेट और ये सब में ज्यादा इंटरेस्ट है तो पापा ने बोला ठीक है अपन न्यूज पेपर मंगाएंगे और तू रोज है ना न्यूज में बॉम्बे टाइम्स पढ़ा कर बॉम्बे टाइम्स आप लोग को पता होगा कि उसमें ये सब टाइम पास का शो शाह सब चीजें बहुत आती है तो पापा ने बोला कि ये पढ़ बॉम्बे टाइम्स पापा आप अपने बेटे को कैसी राय दे रहे बोला कि पढ़ तो सही, चालू तो कर। उसका जो लास्ट पेज है ना वो पढ़ना चालू कर अब ये जो लास्ट पेज है ना इसमें ना अगर आप लोगों को बताओ तो स्पोर्ट्स का न्यूज आता है सो ही टोल्ड मी के बॉस तू है ना स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तेरे को क्रिकेट में और तुझे बॉलीवुड वॉलीवुड में तो सबको इंटरेस्ट होता ही है इधर उधर की गॉसिप में तू उससे चालू कर पढ़ने न्यूज पढ़ने का एक रिदम फॉलो कर फिर ऑटोमेटिकली चीजें तेरे को अच्छी लगनी लगेगी न्यूज पढ़ना चालू करेगा तू एंड थिंग्स विल थिंग इन प्लेस एंड इट वर्क फिर बाद में मैंने बॉस जिस दिन से इकोनॉमिक टाइम समझना और पढ़ना चालू किया है ना मजाक नहीं कर रहा हूं एवरी डे मॉर्निंग आई वेट कब मेरा न्यूज़पेपर आएगा कब मैं उसको पढ़ू कब उसको मैं एक्सप्लोर करूं एंड दैट इज व्हाट गाइस इवन वी आर गोइंग टू डू तो तो यस पढ़ना ही है बट एंड ऑफ द डे पूरा का पूरा ना, ना इसमें समय हुआ है सो so कैसे इसको पढ़ना है क्या चीजें कनेक्ट होती है नहीं होती है ऑल ऑफ दैट इज डेफिनेटली वॉट वी आर गोइंग टू कनेक्ट एज वेल सो क्या आप लोग भी उस कनेक्ट के साथ आगे बढ़ना चाहेंगे तो मैंने जब ये सेशन स्टार्ट किया तो ऑफलाइन uh, पे आप लोग के साथ डिस्कस किया था एंड यू ऑल वर इक्वली एक्साइटेड फॉर इट एज वेल राइट सो क्या क्या चीजें अपन uh, करने वाले हैं अब वो मैं आप लोगों के साथ धीरे धीरे डिस्कस करने जाऊंगा बट जस्ट टेलिंग यू फिर बाद में ना मैंने वो वाइस प्रेसिडेंट और जो सी था ना जिसने मेरे को जेपी मॉर्गन में सिलेक्ट कर लिया मुझे नहीं लगा था कि मैं सिलेक्ट होऊंगा बट थैंकफुली मैंने जब फिर वो टिपिकल आंसर के क्वेश्चन के आंसर दिए तो मैं सिलेक्ट हो गया Uh, फिर और एक दो राउंड थे मेरे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के साथ राउंड था और एक दो राउंड थे एंड कम्युनिकेशन स्किल्स तो उन्होंने बोला कि भाई ठीक है हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे फिर मैंने जाके पूछा तो उन्होंने बोला कि ठीक है फ्रेश ये था तू तो हमको पता था कि थोड़ा हवा में तो हमको थोड़ा लेवल पे लाने के लिए ये सब हम लोग ने जानबूझ के क्वेश्चन पूछे फिर उन्होंने मुझे एक एडवाइस दिया उन्होंने बोला कि ठीक है देख अब तो तू सिलेक्ट हो गया बट नाउ एंश्योर दैट यू नो योर जर्नी इज पॉजिटिव एंड ये सब मार्केट नॉलेज भी लेना चालू कर तो मैं आप लोग के साथ एक चीज सजेस्ट करूंगा कि भाई देखो मेरा दस साल पहले बारह साल पहले इंटरव्यू हुआ था तब मार्केट इतना कॉम्पिटेटिव नहीं था फ्रेंकली बोलता हूं आज जितना मार्केट कॉम्पिटेटिव है ना उसमें आपको एक कदम आगे रहना पड़ेगा यू विल नीड टू हैव एन एज ओवर अदर्स एंड वो एज कैसे डेवलप होगा देखो बुकिश नॉलेज तो सीए बन के सब लोग के पास होने वाला है एज आप कैसे क्रिएट करोगे By having this financial knowledge, market का knowledge जब होगा ना के के पास, तब आप एक edge create करोगे। so, let, along with ensuring के में तो अपन मैक्सिमाइज करें, उसी को प्रैक्टिकली कनेक्ट करके अपना वो एज भी क्रिएट करते जाए क्या बोलते हो पब्लिक राइट सो हाउ द होल सिस्टम विल बी वर्क इन योर फेवर सो ऐसा पूरा सिनारियो रहेगा सो so, अपन प्रैक्टिकली कनेक्ट करेंगे क्या हो रहा है ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट में ग्लोबल ठीक है इंडिया तो है ही बट ग्लोबली क्या चल रहा है बिकॉज ग्लोबली इंडिया एंड ऑफ द डे कनेक्टेड है राइट वी ऑल ऑफ अस नो दैट सो ऐसा कुछ सिनारियो है इस इस पॉजिटिव नोट के साथ मैं अब कहानी को आगे बढ़ाऊंगा आज भी अपन बहुत अच्छे खाले अच्छे वाले डिस्कशंस करने वाले हैं एंड ट्रस्ट मी बहुत मजा आने वाले हैं आज के सेशन से ही सो so, वीना बोल रही है कि इकोनॉमिक टाइम्स तो समझ ही नहीं आता आई आई कैन फील यू वीना सो डोंट वरी वो मैं समझाऊंगा एंड मतलब ऑटोमेटिकली विद द फ्लो चीजें समझ में आती जाएंगी तो चलो स्टार्ट करते हैं एस का जर्नी सो बिफोर आई स्टार्ट विद समप्ट लिंकिंग द फाइनेंशियल वर्ल्ड मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ कुछ पहले एस एफ एम की बातें डिस्कस की जाए जैसे अपने को स्टार्टिंग में काजल ने बोला था कि सर एस एफ एम का पोर्शन क्या होगा कौन सा सब्जेक्ट कैसे होगा आई I मीन mean, कौन सा चैप्टर कब करवाओगे तो चलो आओ लेट्स स्टार्ट विद दैट जर्नी ठीक है सो so, मेरा जो जेपी मॉर्गन का जर्नी था उससे आप क्या सीखे कि बॉस अपना तो काम हो गया जैसे तैसे बट आपको एक एज क्रिएट करना है एंड वो एज क्रिएट करने के लिए आज से प्लीज इकोनॉमिक टाइम्स रीड करना चालू कर दो कैसे करना है क्या करना है वो सब मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा शायद फ्यूचर में अपन इकोनॉमिक टाइम्स भी डिस्कस कर रहे होंगे उस लेवल पे भी आ जाओगे तुम लोग तो और मजा आएगा ऑल इन ऑल एंड ऑफ द डे सर दर में भी मैक्सिम मार्क्स प्रॉबली हंड्रेड ऑन हंड्रेड इज वॉट वी कैन फोकस ऑन एंड लेट्स स्टार्ट द जर्नी रिलेटिंग टू दैट सो स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट पेपर टू ऑफ

सो हमारी डिवीजन को क्या करना था कि जेपी मॉर्गन से जेपी मॉर्गन का एक खुद का फंड है ठीक है एंड से जनरल मोटर्स और बड़ी बड़ी यूएस की कंपनीज जेपी मॉर्गन के फंड में इन्वेस्ट करती है एंड वी एट इंडिया हैड अ रोल ऑफ मैनेजिंग दोज तो वो फंड्स को मैनेज करना है ठीक है so, सो वो फंड्स को कहां पे डिप्लॉय करना है और छोटा मोटा फंड नहीं मिनिमम मिनिमम 500 करोड़ का तो फंड आता है उसको कहां पे इन्वेस्ट करना है सो दैट मैक्सिमम रिटर्न्स मिले क्योंकि क्या हुआ था पता है क्या मैंने क्या बोला आप लोगों को जब मैंने ज्वाइन किया था था तब यूएस में रिसेशन चालू था। तो उधर का जो भी पैसा था वो वो लोग ने बोला कि हम अभी डेवलपिंग कंट्रीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं बिकॉज दैट इज वेयर वी सी द पोटेंशियल हमारे यहाँ पे तो अभी रिसेशन है तो मार्केट नीचे जा रहा है बट इंडिया वो रिसेशन से इतना अफेक्ट नहीं हुआ था सो दैट इज वेयर स्कोप इंक्रीज हुआ हमारा एट जेपी मॉर्गन इंडिया एंड फिर बाद में एक पूरा साइकिल देखा तो कैसे इंडिया में जब रिसेशन नहीं था तो वहां पे इन्वेस्ट किया फिर यूएसए का इकोनॉमी जब संभलने लगा तो हम लोग ने वहां पे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया वहां पे स्ट्रैटेजीज डेवलप किया अंडरस्टूड द यूरोपियन इकोनॉमी एज वेल क्योंकि वहां पे भी हम लोग के कुछ ब्रांचेस थे सो वो एक पूरा कनेक्ट कहीं ना कहीं समझ में आया कि कैसे एक ग्लोबल इकोनॉमी फंक्शन करता है एंड कौन सी चीजें किससे कनेक्टेड है एंड वो कैसे एस एफ एम से कनेक्टेड है वो भी आप लोग के साथ ट्रस्ट मी इट्स एक्सपीरियंस नवंबर ट्वेंटी थ्री मे ट्वेंटी फॉर द सेशन नॉट टू वरी एट ऑल सो 100 मार्क्स का अब अपना यह चैप्टर है तो सर ये लेट्स नाउ कम बैक टू द कोर थिंग जिसके लिए अपन मिले हैं दैट इज स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सो टोटल Uh, मैं आप लोग को बता दूं कि मैंने इस सब्जेक्ट को कैसे डिवाइड किया है hmm, I'll just show you. मैंने इस सब्जेक्ट को डिवाइड किया है बेसिकली फेज वाइज सो आप लोग यहाँ पे देखोगे सो so, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा यस मयंक वेलकम ऑलराइट सो मैं यहां पे आप लोगों को दिखा रहा हूं कि फेज वाइज मैंने ये पूरा का पूरा अपना चैप्टर वर्कआउट किया है एंड इन ऑल देर आर 14 चैप्टर्स दैट वी आर गोइंग टू डू डू और इन चैप्टर्स को मैंने इस स्मार्टनेस से किया है कि चार फेज में ये डिवाइड हो जाए एंड आप लोग जब आपका रिवीजन करोगे ना तो एट दैट पॉइंट इन टाइम आप लोग भी रिवीजन इस हिसाब से ही करोगे क्यों वो भी मैं अभी आपको बताता हूं ठीक है चलो सो so, सबसे पहले अपन लोग करने वाले हैं फेज वन उसके बाद आएगा फेज टू उसके बाद आएगा ऑब्वियसली फेज थ्री एंड फिर आएगा फेज फोर एज आई टोल्ड यू बहुत प्लानिंग के साथ मैंने ये फेजेस बनाए हैं एंड एट द सेम टाइम इनका मैंने अप्रोच रखा है फेज वन विल कवर अप्रोक्सीमेटली ट्वेंटी फाइव मार्क्स अप्रोक्सीमेटली अभी देखो आईसीआई आपको तो पता है कभी इधर पच्चीस मार्क एक ही चैप्टर में से भी पूछ लेता है और कभी कभी इक्वली डिवाइड भी कर देता है सो वी नेवर नो बट अपने को तो चारों फेस करना है बिकॉज एंड ऑफ द डे आर गोल इज दिस तो फेज वन को मैं ट्वेंटी फेज वन है फिर बाद में ट्वेंटी फिर बाद में ट्वेंटी फेज थ्री है और फिर बाद में ट्वेंटी फाइव मार्क्स का मेरा फेज फोर है तो फेज वन को मैंने नाम दिया है देखो ये है ना मीडियम वाला फेज है मीडियम वाला फेज मतलब एकदम डिफिकल्ट भी नहीं एकदम ईजी भी नहीं काफी सारे फॉर्मुलाज भी है और काफी कुछ नया सीखने को भी है सो so, ये फेज में सर क्या क्या होगा इट विल कंसिस्ट ऑफ चैप्टर्स लाइक म्यूचुअल फंड शॉर्ट फॉर्म ही लिख रहा हूं और आप लोग को फुल फॉर्म चाहिए तो यहाँ पे से मैं आप लोग को दिखाई दूंगा so, यहाँ पे आप लोग देखते हो फेज वन में है म्यूचुअल फंड जो मॉड्यूल का चैप्टर नंबर सेवन है अपन लोग मॉड्यूल को स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे तो जो भी मॉड्यूल का नंबरिंग है मैं वही नंबरिंग को फॉलो करूंगा डोंट वरी एट ऑल फेज so, वन में पहले अपन करेंगे म्यूचुअल फंड उसके बाद में अपन लोग करेंगे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और प्लीज कुछ भी लिखो मत ये जो भी चीज मैं लिख रहा हूं ना वो सब का सब आपके गूगल ड्राइव पे अपलोड होगा तो ऐसा नहीं है मैं लिखवाने नहीं वाला हूं क्लास में आपको लिखना नहीं है सब लिखने का मैं टाइम दूंगा बट जब मैं जब डिस्कस कर रहा हूं ना कुछ तो पूरा का पूरा फोकस मेरे पे रखो इट विल बी गुड फॉर एस सो पहला मैं म्यूचुअल फंड करवाऊंगा दूसरा जो चैप्टर करवाऊंगा दैट विल बी योर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट

पोर्टफोलियो पंद्रह मार्क के लिए भी आया है कभी म्यूचुअल फंड सोलह मार्क के लिए भी आया है एंड दैट्स हाउ इट वर्स कभी कभी सिक्योरिटी वैल्यूएशन चार मार्क के लिए है बट ऑन एन एवरेज आपको समझ में आ गया ना सो so अब जब आप रिवाइज करना स्टार्ट करोगे तो आप कैसे करोगे ये आप लोग के लिए एक सब चैप्टर हो गया कि भाई सब sub सब्जेक्ट हो गया किस एफ एम फेज वन म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सिक्योरिटी वैल्यूएशन चलो भाई ये एक फेज उठाया पच्चीस मार्क मेरा कवर हो गया अभी क्लियर फिर बाद में लोग चलेंगे फेज टू के ऊपर ये 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 देखो, ये मैंने क्या बोला था ये है आपका मीडियम फेज मीडियम ये है मीडियम सेवपुरी अब आपका फेज टू फेज टू इज तीखा पानीपुरी भैया तीखा पानीपुरी एंड दिस इज माय फेवरेट फेज यहां पे अपन करने वाले हैं फॉरेक्स एंड डेरिवेटिव ऑब्वियसली इट इंक्लूड इंटरेस्ट रिस्क रिस्क मैनेज इंटरेस्ट रेट मैनेजमेंट एंड ऑल ऑफ दैट सो वो सब इसी में मेरे लिए आ गया सो so, जैसा आप मेरे यहां पे देखोगे जब मैं आपको फेज टू दिखाता हूं सो यू विल सी चैप्टर लाइक डेरिवेटिव एनालिसिस एंड वैल्यूएशन विच इज चैप्टर 8 एज पर आईसीआई मॉड्यूल फिर बाद में फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर एंड रिस्क मैनेजमेंट ठीक है ये ही आपका मेनली फॉरेक्स है इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड जैसा मैंने बोला था आईआरएम इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट सो ये चार चैप्टर आपके कहीं ना कहीं मैं इंटर कनेक्ट करके पढ़ाऊंगा एंड दैट इज वेर आई कॉल इट एज फेज टू ये आपका ट्वेंटी फाइव मार्क्स एंड ये है तिखा पानीपुरी मजा आने वाला है इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इंटरनेशनल रेट रिस्क मैनेजमेंट ठीक है ना सो so, लॉजिकली मैंने फेजिस बनाया so जब आप भी पढ़ो तो इसी कॉन्टेक्स्ट में पढ़ो एंड दैट विल रियली हेल्पफुल टू यू सो ये हो गया मेरा फेज फिर बाद में आता है मेरा फेज थ्री स्पीक्स ऑफ दिस आई विल से सो ये मेरा क्या था मीडियम ये मैं इसको मैं पुट अप करूंगा थोड़ा डिफिकल्ट लेवल पे इसको फेज थ्री को मैं पुट अप करूंगा इजी लेवल ठीक है ना सो so, ये अपना सूखा भेल, ये क्या था मीडियम क्या था सेवपुरी भैया जी सेवपुरी मीडियम भाई बॉम्बे का हूं यार ये लैंग्वेज में बात करूंगा सो so, ये है मेरा सेवपुरी डिफिकल्ट तिक्का पारीपुरी भैया और इजी है अपना भेलपुरी वो भी सुखा वाला भेलपुरी कौन सा है ये ये है दिस स्पीक्स अबाउट कॉर्पोरेट वैल्यूएशन एंड दिस स्पीक्स अबाउट एम एन ए मर्जर्स एंड एक्विजिशन जिसके बारे में मुझे फर्स्ट डे पे क्वेश्चन पूछा था जेपी मॉग में सो so, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है कि कैसे आज की तारीख में अपन सबको बताएं कि आजकल कंपनी का मर्जर्स एंड एक्विजिशन बहुत कॉमन है आप लोग ने एक अमाल पढ़ा है अकाउंटिंग वाला इन योर एफ आर और इन योर अकाउंटेंसी बट

मेरे अर्निंग्स पर शेयर पे क्या इंपैक्ट आ रहा है वो मैं मर्जर्स एंड एक्विजिशन में सीखूंगा मेरा कॉर्पोरेट वैल्यूएशन भाई मेरी कंपनी को वैल्यू करना है तो क्या बेसिस पे वैल्यूएशन होने वाला है एसेड बेस्ड वैल्युएशन अर्निंग बेस्ड वैल्युएशन ऑल ऑफ दैट इज गोइंग टू बी अंडरस्टूड इन द इन द सब्जेक्ट इन द टॉपिक ऑफ कॉर्पोरेट वैल्यूएशन मर्जर एंड एक्विजिशन एंड जो मेरा लास्ट फेज है वो क्या है Yes. वो है मेरा लास्ट का चना कुरमुरा एंड दैट भा, उसको भाई इग्नोर नहीं कर रहा है भाई चना कुर्मुरा मैं बोल तो रहा हूं बट इग्नोर नहीं करेंगे एंड दैट बेसिकली इज योर वेरी इजी पार्ट दिस इज योर वेरी इजी पार्ट एंड दिस बेसिकली डील्स विद थियोरी चैप्टर्स थ्योरी चैप्टर्स जैसे की स्टार्टअप फाइनेंस थियरी चैप्टर जैसे की फाइनेंशियल पॉलिसी मेकिंग सो ये आपके थ्योरी चैप्टर्स है फाइनेंशियल पॉलिसी एंड कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी रिस्क मैनेजमेंट सिक्योरिटी एनालिसिस सिक्योरिटाइजेशन स्टार्टअप फाइनेंस नाउ लेट मी टेल यू जो ये चैप्टर टू एंड चैप्टर थ्री है ना रिस्क मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी एनालिसिस इसमें भी थोड़ा प्रैक्टिकल पार्ट है बट प्री ये लोग क्या है करेक्ट प्री डोमिनेंटली दे आर थ्योरी ओरिएंटेड चैप्टर्स सो ये मेरे पांच थ्योरी ओरिएंटेड चैप्टर्स कम इनमें थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिकल भी है रिस्क मैनेजमेंट में थोड़ा सा प्रैक्टिकल है सिक्योरिटी एनालिसिस इसमें फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस होने वाला है इसमें थोड़ा सा थ्योरी भी है प्रैक्टिकल भी है सो इट्स अ कॉम्बिनेशन बट थ्योरी डोमिनेटेड आईसीआई इसमें से चांसेस है कि प्रैक्टिकल ना पूछे क्योंकि प्रैक्टिकल के लिए उसके पास बाकी के दस चैप्टर्स हैं नॉ दस चैप्टर्स यहां से वो थ्योरी पूछना चाहेगा सर क्या थियोरी इंपॉर्टेंट है कि नहीं पांच दस मिनट रुक जाओ आप लोग खुद जवाब दोगे मुझे याद रखना मेरा क्वेश्चन सर क्या थ्योरी इंपॉर्टेंट है कि नहीं दस मिनट रुक जाओ आप लोग से मैं जवाब निकलवाऊंगा ठीक है वेलकम सो so, ये मेरा है फेज फोर एंड इस फेज फोर में अपन लोग फाइनेंशियल पॉलिसी रिस्क मैनेजमेंट स्टार्टअप फाइनेंस सिक्योरिटी एनालिसिस के बारे में पढ़ने वाले हैं एंड दैट इज व्हाट माय फेज फोर इज ऑल अबाउट क्या आप लोगों को क्लैरिटी आ गया कि क्या क्या अपन लोग कैसे इसका टोटल होने वाला है तो सबसे पहले मैं क्या करवाने वाला हूं मीडियम ठीक है फिर डिफिकल्ट फिर इजी फिर वेरी इजी अब आप लोग में से कुछ लोग बोल सकते हो कि सर पहले वेरी इजी से चालू करो फिर इजी पे आओ फिर मीडियम डिफिकल्ट ना नहीं नहीं मेरी माँ हमेशा कहती है कि बेटा सबसे पहले जो डिफिकल्ट रास्ता है ना उसको अगर कवर कर लिया ना देन इन दैट केस आसान रास्ता तो कभी भी हो जाएगा और अभी अपन लोग जोश में होश में अभी इनिशियली तो अपन लोग को यार एकदम मतलब हाई लेवल की चीजें कर लेंगे सो थिंग्स विल बी वेरी मच मैनेजेबल सर तो सीधा फॉरेक्स से स्टार्ट कर दो ना नहीं इतना भी हाई लेवल नहीं जाना है कि कहीं ना कहीं अपन लोग तारे दिखने लगे फर्स्ट लेक्चर से so, will, मैं बोल रहा ना बहुत लॉजिकली मैंने ये चीजें सेटअप की सो दैट इज वेयर वी विल स्टार्ट विथ थिंग्स विच वी आर कनेक्टेड टू दो म्यूचुअल फंड लोग ने एटलीस्ट सुना है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट अपन लोग ने वर्ड सुने फॉरेक्स एक अलग ही दुनिया है जो मैं आप लोग को एकदम बेसिक से बताऊंगा एंड देन कॉर्पोरेट वैल्यूएशन एम एन ए मैनेजेबल और फिर जाते जाते थ्योरी तो आराम से हो जाएगा right, so, कराया uh, बताइए so, uh, पे भी आएगा एंड मैंने इनिशियली डिस्कस किया मेरे जेपी मॉर्गन की जर्नी के बारे में और सब लोग ने यहां पे जो भी बैठा है तुम लोग प्लीज अभी मुझे टाइप करके दो यस सर आई प्रॉमिस कि हम लोग इकोनॉमिक टाइम्स वाला सब्सक्रिप्शन ले लेंगे फिजिकल न्यूज आता है तो ठीक है अदरवाइज जो अगर आप लोग ऐप पे भी आजकल तो सब दिखता है वो भी होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वो हम लोग ने पहले डिस्कस किया ए कि भाई आई प्रोमिस मुझे दिख नहीं रहा है और दूसरा हम लोग ने डिस्कस किया एस एफ एम के बारे में सो so, एस में टोटल अपने को कितने चैप्टर्स करने हैं इन ऑल अपने को करने हैं फोर्टीन चैप्टर्स तो सर ये फोर्टीन चैप्टर्स का यहां पे जो तुम लोगों को ये लिस्ट दिख रहा है ना ये मैं सब चीजें शेयर करूंगा यार डोंट वरी ये तुम लोगों के लिए ये मेरे पास नहीं रखने वाला हूं मैं सो so, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा हर एक चीज आप लोग के साथ शेयर होगी गूगल ड्राइव के ऊपर सो नॉट टू वरी एट ऑल ऑल राइट गाइज डन नाउ फेज वन में अपने कौन से कौन से चैप्टर्स होंगे पहले म्यूचुअल फंड्स ये मैंने लाइन वाइज रखा है इंस्टीट्यूट का जो नंबरिंग है उस हिसाब से सो so, मैं पहले म्यूचुअल फंड्स करने वाला हूं जो आईसीआई का है चैप्टर नंबर सेवन फिर मैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करवाऊंगा चैप्टर फाइव सिक्योरिटी वैल्यूएशन ऑलराइट गाइस फिर बाद में सेकेंड फेज में अपन करेंगे द किलर फॉरेक्स डेरिवेटिव्स थर्ड फेज में अपन करेंगे कॉर्पोरेट वैल्यूएशन एंड एंड एक्विजिशन फोर्थ फेज में करेंगे वैल्युएक् रिलेटेड टू फाइनेंशियल पॉलिसी रिस्क मैनेजमेंट सिक्योरिटी एनालिसिस सिक्योरिटाइजेशन स्टार्टअप फाइनेंस वो सब के बारे में इज विद मी क्या आप लोग को देखो चैप्टर्स एज सच अलग से याद रखने का जरूरत नहीं है बट कहना से अब आप लोग के दिमाग में एक विजुअलाइजेशन हो गया कि एस एफ एम में आपको क्या क्या पढ़ना है आई थिंक काजल ने एक क्वेश्चन पूछा था स्टार्टिंग में कि सर आप कौन सा चैप्टर कब क्या करवाने वाले हो वो बता दो सो क्लैरिटी आ गया यस फॉरेक्स डेरिवेटिव साथ में ही करेंगे एंड उसी को कनेक्ट करके पढ़ेंगे मजा आएगा कैन यू गिव अस अ टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ फेजेस पार्थ थोड़ा स्टार्ट होने दे एंड डिस्कस ऑफ दिस ऑल्सो सो थोड़ा सा एक बार मोमेंटम गेन करने दे एटलीस्ट तीन चार लेक्चर हो जाएगा ना मोमेंटम गेन फिर बाद में मैं वो भी चीज डिस्कस करूंगा फर्स्ट डे पे आई विल नॉट वांट यू ऑल टू मच कि मैं ये दस दिन लूंगा ये बीस दिन लूंगा ये पांच दिन लूंगा ये दो दिन लूंगा ऐसा एकदम मेरे को आ, बोलते ना अपने आप को या आप लोग को कहीं पे बाउंड नहीं करना है लेट्स स्टार्ट विद द फ्लो एक कंफर्ट आ जाने दो एक वेवलेंस सेट हो जाने दो एंड डेफिनेटली वी विल डिस्कस दैट एज वेल करण चौहान पूछ रहा एवरी डे क्लास तू रह ही नहीं पाएगा मेरे बिना याद रखना आज मेरा जब सेशन खत्म होगा ना उसके बाद में तू खुद ही बोलेगा सर नेक्स्ट सेशन कब है एफा होना चाहिए तब मजा आएगा धनंजय यस लाइव स्टूडेंट्स का एक व्हाट्सएप ग्रुप का मेरा प्लान है आई कीप यू अपडेटेड मेरा टीम उसके ऊपर वर्क कर रहा है अगेन दो तीन दिन हो जाने दो फिल वर्क अप ऑन दैट आल्सो ओके गाइस, सो क्या आप लोग सब लोग को ये चार फेजेस क्लियर हो गया है ठीक है एंड ये चार फेजेस मैं आप लोग को बता दू कि इस हिसाब से ही आप लोग को भी जब आप रिवाइज करोगे ना इस हिसाब से ही करना है सो so, आप लोग भी फेज वन से ही करोगे जहां पे एमएफ पोर्टफोलियो और सिक्योरिटी वैल्यूएशन सो यस दिस इज गोइंग टू बी द सीक्वेंस म्यूचुअल फंड्स उसके बाद मैं पोर्टफोलियो करवाऊंगा उसके बाद मैं वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी वैल्यूएशन करवाऊंगा उसके बाद में फॉरेक्स डेरेवेटिव के ऊपर जाऊंगा फिर मैं कॉर्पोरेट वैल्युएशन मर्जर्स एंड एक्विजीशन एंड लास्ट में डेफिनेटली विल कवर दो थियोरी थियोरी कम

स्टूडेंट परसेप्शन से बट अगर ढंग से करेंगे तो थिंग्स विल बी मैनेजेबलिंग ओके सो सब लोग एक फेज में मेरे साथ कनेक्ट हो गए अब मैं आ रहा हूं जस्ट एक टू मिनट पेपर पैटर्न अब पेपर पैटर्न आईसीए का एकदम सिंपल और टिपिकल है टोटल इन ऑल छ इंस्टीट्यूट पूछता है उस छे क्वेश्चन में से क्वेश्चन नंबर वन कंपलसरी होगा और कौन से चैप्टर से ये आएगा ये ना आपको पता है ना मेरे को पता और पता होगा तो भी मैं तो कभी नहीं बोलने वाला हूं क्योंकि मुझे नहीं चाहिए कि ये एक वर्ड भी ये जो इधर मैंने चार फेजेस लिखे हैं जो इतने मैंने इधर यहां पे फोर्टीन चैप्टर्स का मेंशन किया है मैं नहीं चाहूंगा कि इसमें से एक पार्ट भी ऐसा हो जो अपन लोग मिस करें सो so, मैं तो एकदम शिद्दत से एक एक चीज करवाने वाला हूं एंड आई एम श्योर उसी डिसिप्लिन से आप लोग भी सब कुछ करने वाले हो एंड इफ यू नो आईसी जो आप नहीं करोगे ना वो वो बोलते ना जो आप करोगे वो वो नहीं पूछेगा जो आप नहीं करोगे ना वो वो डेफिनेटली पूछेगा है कि नहीं जो मैं बोलता हूं वो मैं करता हूं जो मैं नहीं बोलता वो तो मैं डेफिनेटली करता हूं तो अपना आईसीआई अपने को पता ही है कैसा है सो वी वी आर गोइंग टू डू एवरीथिंग सो कंपल्सरी क्वेश्चन होगा कौन से चैप्टर से होगा नो बड़ी नोस एंड ट्रस्ट मी नो बड़ी नोस बिकॉज कभी इंस्टीट्यूट फॉरेक्स फॉर का भी पूछता है कभी इंस्टीट्यूट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का भी पूछ लेगा सो सो इट इज एक्चुअली अ मिक्स कहीं पे भी कुछ रिटर्न वो चीज नहीं है दिस कंपल्सरी क्वेश्चन इज विल बी ऑफ ट्वेंटी मार्क्स यूजली जो देखा गया है वो एट प्लस एट प्लस फोर का वर्किंग है बट अगेन इसको भी थम रूल लेके मत चलो इसको भी थम्रू लेके मत चलो सर क्या आप एक दो पेपर बताओगे क्या डेफिनेटली मैं अभी आप लोग के साथ ये दो पेपर भी डिस्कस करूंगा आईसीआई के दो पेपर है जिससे आप लोग को एक फील आ जाएगा कि यस हाउ द पेपर इज क्या क्या इसमें आ रहा है और एक पैटर्न मेरे को एक आप लोगों को बताना था वो भी मैं इसे बता दूंगा सो यूजुअली अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन नंबर वन जो है वो देखो दिखा इधर क्वेश्चन वन आठ मार्क का होता है यूजुअली अगेन आई एम टेलिंग यू ये देखो ये है मर्जर्स एंड एक्विजिशंस का ईपीएस और वो सब डिटरमाइन करना है सेकेंड है क्वेश्चन अगेन आठ मार्क का एंड थर्ड क्वेश्चन है अगेन चार मार्क का तो एट प्लस एट प्लस फोर का पैटर्न देखा और एक पेपर में आपको दिखाता हूं वापस से देखो वन ए एट मार्क्स वन बी एट मार्क्स वन सी फोर मार्क्स बट थंब रूल नहीं है इंस्टीट्यूट का बस चलेगा तो आपको कंफ्यूज करने के लिए फाइव 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 का चार क्वेश्चन भी पूछ सकती है जो इन्होंने पहले भी किया है ऐसा ठीक है सो यूजुअली इट इज एट प्लस एट प्लस फोर एट प्लस एट प्लस फोर और इट कैन बी अ फाइव प्लस फाइव प्लस फाइव प्लस फाइव टाइप ऑफ अ क्वेश्चन उसके बाद है मेरा उसके बाद है मेरा क्वेश्चन नंबर 2 टू 6 मतलब ये तो क्वेश्चन नंबर वन तो कंपलसरी हो गया अब क्वेश्चन नंबर 2 टू क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसमें से आपको करने हैं एनी फोर सो 2 3 4 5 6 टोटल पांच हुए 2 3 4 5 6 ये पांच में से आपको करने हैं एनी, so है एनी फोर तो ये कितने मार्क्स के होंगे दिस विल बी 20 मार्क्स ईच इसका भी पैटर्न यूजुअली एट तो प्लस एट प्लस फोर होगा या टेन प्लस टेन होगा या फाइव इंटू फोर होगा कुछ फिक्स नहीं है वी हैव टू बी फॉर एवरीथिंग ठीक है सो so, ये पेपर पैटर्न आपका सेट हो गया अब आप लोग को एक क्वेश्चन आया था कि सर आपने ये जो फेज फोर में रखा है ये फेज फोर में जो आपने रखा है ना ये थ्री फेज ये थोड़ा इसका मैं करेक्ट कर दूंगा डोंट वरी बट ये जो मैंने फेज फोर में रखा है चैप्टर का थ्योरी ये जो थ्योरी आप लोग को इधर दिख रहा है सर क्या ये थ्योरी ऑप्शन में छोड़ दे क्या हम लोग चलेगा क्या अब उसका जवाब मैंने आपको बोला था आप खुद दोगे आओ आओ उसका जवाब मैं आप लोग को दिलवाता हूं ये है मेरा एक पेपर ये कौन से अटेम्प्ट का पेपर दिख रहा है मुझे ये पेपर मुझे दिख रहा है चलो नवंबर 22 का आप लोग मुझे दो मिनट देख लो और फिर बताना आप लोग को थ्योरी ऑप्शन में छोड़ना है या हाँ ऑप्शन में छोड़ना है आओ अभी इधर देखो ये देखो क्वेश्चन नंबर वन दिख रहा है इधर आपको क्वेश्चन नंबर वन का सी पार्ट दिख रहा है आपको क्या दिखा आपको क्वेश्चन नंबर वन का सी पार्ट क्या दिखा आपको वन का सी पार्ट क्या दिखा कौन सा क्वेश्चन है प्रैक्टिकल क्वेश्चन है या थियोरी क्वेश्चन है अरे बोलो तो जरा मैं भी तो सुनू करेक्ट सर थ्योरी क्वेश्चन है वन का सी थियोरी क्वेश्चन था ओके okay, ओके okay. अच्छा टू का ए हो गया बी हो गया अच्छा टू का सी क्या दिख रहा है टू का सी आपको क्या दिख रहा है प्रैक्टिकल क्वेश्चन या थ्योरी क्वेश्चन दिख रहा है वन का सी थ्योरी क्वेश्चन था भाई अच्छा टू का सी क्या दिख रहा है अच्छा टू का सी भी थ्योरी दिख रहा है ओके ओके एफा ठीक है ठीक है क्वेश्चन थ्री दिख रहा है three? अच्छा, three का... ए भाई, का क्या दिख रहा है थ्री <laughs> का सी क्या दिख रहा है अभी अंडरस्टैंडिंग थ्री का सी भी थियोरी है अच्छा अच्छा सर फोर का सी दिखाओ जरा अच्छा फोर का सी क्या दिख रहा है फोर का सी क्या दिख रहा है न, 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 न। अच्छा अच्छा फाइव का सी दिखाओ जरा अच्छा का सी क्या दिख रहा है समझ अच्छा और सिक्स का सी देखना है अब देखने में है हिम्मत तुम्हारी बची है सिक्स का सी देखने की लो आओ दिखाता हूं तुम्हारे को सिक्स का सी क्या दिख रहा है करेक्ट इन एवरी क्वेश्चन देर इज वन क्वेश्चन ऑफ थियरी इन बिल्ड चार चार मार्क का सिक्स फोर 24 ये अभी तुम लोग ने देखा ट्वेंटी फोर और मेरा ये फेस देखा तुम लोग ने मैंने थियोरी के फेस के लिए कितना मार्क्स दिया है, ए, आई। वो pattern follow हो रहा है 25 mark का और वो मेरे फोर में fall कर रहा है एग्जैक्टली exactly, इस हिसाब से ही मैंने ये पूरा फेज बनाया And actually, आप लोग देखोगे ना तो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सिक्योरिटी वैल्यूएशन यूजुअली आठ दस मार्क के क्वेश्चन आते हैं तीनों में से तो ये हो गया पच्चीस से तीस मार्क वाला एक फेज थीरी चौबीस मार्क का अभी आप लोग ने देखा एक फेज वो बन गया बच्चा जो दो फेज है वो इंटरनली अपने में एडजस्ट करके उस हिसाब से वर्कआउट हो जाएगा सो दिस गिव्स अ क्लैरिटी टू योर माइंड कि हाँ भाई इस हिसाब से अपने को फेज वाइज पढ़ना है ये हो गया फेज चल 25 मार्क दिया हो गया फेज चल 25 मार्क दिया वैसा अभी अंडरस्टैंडिंग आई आईसीआई इज वेरी स्मार्ट बट वी हैव टू बी डबल स्मार्ट राइट सो अपन लोग ने देखा कि बॉस नवंबर 22 का मैंने अभी जस्ट एक पेपर एनालिसिस किया तुम लोग के साथ ही सो क्वेश्चन नंबर वन ए क्वेश्चन सॉरी क्वेश्चन नंबर वन सी क्वेश्चन नंबर टू सी थ्री सी फोर सी फाइव सी सिक्स सी सारा का चारा चार 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 मार्क्स कैन आई से ट्वेंटी फोर मार्क्स बराबर है और ये ट्वेंटी फोर मार्क्स स्मार्टली था ऐसा नहीं क्वेश्चन नंबर सिक्स में उन्होंने दे दिया तो चलो पांच पेशन कर लिया बात खत्म नहीं नहीं सो अप्रोक्सीमेटली ट्वेंटी मार्क्स का आने ही वाला है एंड ये yes, अगर अपन लोग ढंग से करेंगे वी विल बी एबल टू स्कोर द मार्क्स दूसरा देखो दूसरा मे ट्वेंटी टू के मे ट्वेंटी टू का एक पेपर दिखा दो चलो अभी नवंबर ट्वेंटी टू का दिखा दो एक और देख लेता हूँ उसके बाद वाला कोई रहेगा वो दिखा देता हूं पेपर पेपर खाली एक बार दिखा रहा हूं आप लोगों को आइडिया के लिए एक फील के लिए अभी देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर वन है वहां पे वन ए था सुनो ना वहां पे अभी जो पेपर देखा वहां ए था मर्जर का अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे क्वेश्चन आता, तो आता होगा ना डॉलर वॉलर देखे की वो फॉरेक्स से रिलेटेड है <laughs> कैफी बातें कर रहे हो सो डॉलर से रिलेटेड का क्वेश्चन नंबर वन ए पे आ गया सो so, कहीं से कुछ भी आ जाए यार अपने को है। so, 8 +8 +4 का है। अभी देखो है भाई क्वेश्चन नंबर वन सी क्या क्वेश्चन है थ्योरी क्वेश्चन फोर मार्क्स अभी क्लियर हो गया अभी मैं आप लोगों को पूछता हूं ये थ्योरी करना इंपॉर्टेंट है या थ्योरी ऑप्शन में छोड़ा तो चलेगा मुझे कमेंट में जवाब दो तो तब तक मैं आगे का देखता हूं टू टू सी क्या है टू सी थ्योरी फोर मार्क्स थ्री सी क्या है थ्योरी फोर मार्क्स छोड़ के दो आईसीआई वेरी चालाक वेरी चालाक फोर थ्री सी फोर 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 गाइस फोर सी समझ फाइव सी थियोरी सिक्स सी थियोरी बॉस आई थिंक इससे बेटर अपने को और क्या एनालिसिस मिलेगा कि थियोरी इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अपन लोग ने अभी ये वाले भी पेपर का एनालिसिस किया एंड वी वेरी मच सी 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 क्वेश्चन नंबर वापस से और यहां पे अपने को यह चीज का भी क्लैरिटी आ गया कि बस कुछ भी हो जाए तोबा तोबा थ्योरी नहीं छोड़ेंगे थ्योरी करके जाएंगे बस तो वो सब चीज के लिए प्रिपेयर रहो और कुछ नहीं ये बता रहा हूं आपको इज इज नो चांस ऑफ स्कोप नहीं है ना हर क्वेश्चन में आ रहा है पांच क्वेश्चन तो अपने को अटेम्प्ट करना ही है तो बीस मार्क तो थ्योरी लिखना ही है तो अगर आपको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स वो थ्योरी का पता होगा डेफिनेटली विल बी एबल टू मैनेज इट कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा ए समझ एवरीबॉडी क्लियर हो गया सब लोगों को पेपर पैटर्न सबसे यार बोलते जाओ बात करते जाओ यार हाँ पेपर पैटर्न क्लियर हो गया यस सर इवन अगर आप मैं तो बोलता हूं अगर आप गूगल ड्राइव में भी देख रहे हो ना मेरे साथ कम्युनिकेटेड रहना मैं तो बोलता हूँ यूट्यूब पे भी ये लेक्चर देख रहे हो ना यूट्यूब आता है कनेक्टेड रहो यार मजा आएगा सो so, पेपर पैटर्न क्लियर हो गया यस yes. काजल ने मुझे स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा था कि सर चैप्टर का क्या सीक्वेंस होगा क्लियर हो गया तो अपन क्या सीक्वेंस में जाने वाले क्लियर हो गया आप लोगों को क्या क्या चैप्टर्स है वो क्लियर हो गया ठीक है फेज फोर में पांच चैप्टर है मैंने एक एक को इंडिविजुअली लिखा नहीं है

जो सीक्वेल बोलना है प्रीक्वल बोलना है बोलो मैं तो क्या बोलता हूं ना एक नंबर का आ, उसको क्या बोलते हैं खाने जो खाने के लिए एकदम होता है तो मुझे तो मैं दो ही चीज के लिए जीता हूं एक खाने के लिए दूसरा पढ़ाने के लिए तो यहां पे पढ़ा मैं एक साथ में खाने के साथ मिक्स करता हूं ये है मेरा सेबपुरी भैया मीडियम सेवपुरी फेज टू है मेरा भैया तीखा पानीपुरी फेज थ्री है मेरा क्या सूखा भेल और फेज फोर है मेरा चना कुरुरा वाह यस आई एम फूडी करेक्ट जुई करेक्ट 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 आप लोग भी मेरे जैसे ही हो गया तो चलो ना कभी साथ में चलेंगे चलो डन 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 आई सो so, ये हो गया फिर अपन लोग ने पेपर पैटर्न डिस्कस कर लिया अपने को समझ में आ गया कि यस प्रैक्टिकल तो इंपॉर्टेंट है ही वो तो अपने को डिफॉल्ट पता ही है बट एट द सेम टाइम एक एनालिसिस हो गया कि यार थ्योरी भी कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड जैसा मैंने आप लोगों को पूछा कि क्या लग रहा है अपन कौन सा फर्स्ट चैप्टर करने वाले खाली पूछ रहा हूं कौन सा चैप्टर करने वाले तुम लोग सब लोग ने बोला कि यस म्यूचुअल फंड से अपन स्टार्ट करेंगे डेफिनेटली इससे स्टार्ट करेंगे बट क्यों ना आप लोग को मैं एक झलक बता दू कि अपना जो बुक है वो कितना एफिशियंटली डिजाइंड है वी हैव टेकन केयर ऑफ ईच एंड एवरी तो आओ अब वो मैं आप लोग के साथ डिस्कस करता हूं कि अभी से फॉर एग्जाम्पल म्यूचुअल फंड चैप्टर है वो अब मैं आप लोग के साथ डिस्कस करने वाला हूं कि उसमें मैंने क्या क्या इंक्लूड किया है सो योर चैप्टर इज गोइंग टू स्टार्ट विथ द मोटिवेशनल कोट। भाई एंड ऑफ द डे अपन ह्यूमन बीइंग एंड अपन सबको क्या चाहिए ऑलवेज एक मोटिवेशन चाहिए तो स्टीव जॉब्स धीरूभा अंबानी ये सब माइकल जॉर्डन ये सब बड़े बड़े लोगों के कुछ मोटिवेशन कोट से मैं स्टार्ट करता हूं अपना टॉपिक आप लोग देखना चाहोगे देखना चाहोगे आप लोग देखना चाहोगे दिखाता हूं मैं मजा आ जाएगा ठीक है सो ये है मेरा चैप्टर तो स्टीव जॉब्स इज वॉट आई फॉलो ही इज द अल्टीमेट गुरु फॉर मी द अल्टीमेट लीडर फॉर मी सो उन्हीं के कोटेशन से मैं स्टार्ट कर रहा हूं डोंट लेट द नॉइस ऑफ अदर्स ओपिनियन ड्राउन आउट योर इनर voice. चलो ना वो अपन देखेंगे बाद में बुक्स कितने होंगे कैसे होंगे थोड़ा बता दो सर सब बताता हूं सो जस्ट वेट फॉर टू फ्यू मिनट सब बताऊंगा सो so, सबसे पहले अपन लोग डिस्कस कर रहे हैं कि बुक्स का कंटेंट क्या होगा तो एक मोटिवेशन कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं उसके नीचे आपको देखे ना मार्क्स एलोकेशन ऑफ आईसीस्ट एग्जाम ये अगर मैं ना दू तो तुम लोग खुद से तो एनालिसिस करने वाले हो तो तुम लोग का टाइम वेस्ट ना हो इसके लिए मैंने वो चीज कर दिया है एंड दैट इज आईसी मार्क्स एलोकेशन Marks allocation. मतलब last में, कितने कितने मार्क्स के लिए कौन सा कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है वो सब मेरा यहाँ पे मैंने लिख दिया है तो कौन सा म्यूचुअल फंड है तो नवंबर ट्वेंटी टू में कब आया है मे ट्वेंटी टू में कब आया है डिसंबर ट्वेंटी टू में कितने मार्क्स का आया है जुलाई ट्वेंटी वन में कितने ऑल ऑफ दिस इज फिर बाद में आता है अपना स्टडी मेंटोर वेरी इंपॉर्टेंट बॉस दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप लोग ने मेरे से कॉस्टिंग भी पढ़ा होगा देन यू वुड नो दैट स्टडी मेंटोर भी अपने ऑप्टिमाइज में होता था यहां पे भी मतलब एक एक चीज का मैंने बारीकी से ध्यान रखे वो सब चीज ली है यहां पे अपनी बुक्स में विच व इज गोइंग टू रियली हेल्प यू स्टडी मेंटर क्या होगा अपना जैसे जैसे पोर्शन खत्म होते जाएगा देखो यहां पे टोटल अपने को म्यूचुअल फंड चैप्टर में ये सारी चीजें पढ़नी है So, ये जो भी मेरे को पढ़ना है उसका यहां पे पेज नंबरिंग के साथ ये दिख रहा है आपको पेज नंबरिंग सो से फॉर एग्जाम्पल मेरे को करना है रिटर्न फ्रॉम अ म्यूचुअल फंड तो मैं क्या करूंगा सीधा मेरे पास इधर एक इंडेक्स है डिटेल्ड इंडेक्स है इस डिटेल्ड इंडेक्स का पेज नंबर है जब संकल्प सर ये पढ़ा देंगे लेक्चर के अंदर आप लोगों को करना है उसको मार्क कि भाई चलो एक बार हमारा हो गया बट क्या एक बार से आप लोग को हंड्रेड आउट ऑफ हंड्रेड का जो अपन लोग एक थॉट प्रोसेस लेके चल रहे हैं क्या वो पॉसिबल है क्या नहीं सर और अपने को मेहनत करना पड़ेगा जितनी बार ये आप लोग टिक करोगे उतना आप लोग आपके ड्रीम के पास पहुंचते जाओगे एंड दिस इज लाइक अ मिरर टू यू ये एक आईना है आपके लिए कि भाई कितना आपका एक्चुअली पढ़के हुआ है जो जितना आपका स्टडी मेंटर में टिक मार्क होगा दैट शोज कि उतनी बार आपका पढ़ के हुआ है आपको भी क्लैरिटी रहेगा कि हाँ यार ये चैप्टर में से इतनी सारी चीजें मेरी पढ़ के हुई है नहीं हुई दूसरा एग्जाम टाइम पे आपको क्या करना है ऑब्वियसली वो तो मैं लास्ट डे रिवीजन में क्या करना है वो बताऊंगा ही बट फिर भी आप लोग के लिए स्पेसिफिकली आपको एग्जाम के लिए क्या करना है तो आपको लगता है कि यार ये क्वेश्चन नंबर नाइन बहुत ही तगड़ा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो मैं इसको क्वेश्चन नंबर नाइन को और से क्वेश्चन नंबर फोर्टीन ये मेरे को लग रहा है ये दोनों तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये मेरे को एग्जाम टाइम पे करके ही जाना है तो आप इसको एक अलग हाईलाइटर से हाईलाइट कर सकते हो तो एग्जाम टाइम पे जब आप आओगे आपके एफ का पेपर देखे आप इमीजिएटली क्या करोगे एफ का पेपर देखे करेक्ट यू विल एनश्योर ये यस ये मैंने इसको ग्रीन हाईलाइट किया मतलब ये एग्जाम के टाइम पे इंपॉर्टेंट है मेरे को मेरे को डिफिकल्ट लगता है पर्टिकुलरली या मेरे को लग रहा है कि करना चाहिए तो आप आओगे यहाँ पे सीधा पेज नंबर ट्वेंटी फोर पेज नंबर ट्वेंटी फोर पे गए इमीजिएटली क्वेश्चन

एंड देन अगेन जब आप रिवाइज करोगे तब आप लोग ये प्रिव्यू से स्टार्ट करोगे अब आप लोग बोलोगे कि सर दिखाओ जरा आओ ये देखो सो म्यूचुअल फंड का इंट्रोडक्शन म्यूचुअल फंड कैसे होता है वो आर द प्लेयर्स फिर बाद में आगे आ जाओ क्या क्या स्कीम्स है म्यूचुअल फंड में ऑप्शन क्या क्या है क्लासिफिकेशन ऑफ म्यूचुअल फंड बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स ऑफ म्यूचुअल फंड आ गया ना पूरा का पूरा समरी यहाँ पे फिर बाद में यहाँ पे फॉर्मुलास क्या क्या मेरा फॉर्मूलाज मैं यूज करने वाला हूं म्यूचुअल फंड में नेट एसेट वैल्यू का फॉर्म्यूला रिटर्न का फॉर्मूला एक्सपेंस रेशियो का फॉर्मूला रिक्वायर्ड रिटर्न का फॉर्मूला एंट्री लोड का फॉर्मूला एग्जिट लोड का ऑल ऑफ दिस एट वन प्लेस सो ये क्या है आपका समरी प्लस फॉर्मूलामूला दोनों का काम करेगा ये एंड इन एवरी चैप्टर वी आर गोइंग टू डेवलप एंड गिव दिस टू यू कैफा लगा फीचर्स राइट सो दिस इज हाउ माई होल बुक का प्रिव्यू प्लस दिस समरी सॉरी प्लस मेरा इस हिसाब से दिखने वाला है करेक्ट ओके okay. उसके बाद अपन लोग क्या करने वाले हैं अब आते हैं अपन लोग मेन चैप्टर के ऊपर एंड दैट इज वेर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द मेन कॉन्सेप्ट्स और बॉस ऐसे ही स्टार्ट नहीं होगा कुछ लॉजिक्स के साथ चीजें स्टार्ट होगी right? तो मतलब हो कि भाई म्यूचुअल फंड में मेरे को अगर इन्वेस्ट अपन लोग म्यूचुअल राइट कौन सा म्यूचुअल चैप्टर कर रहे हैं तो म्यूचुअल एक आइडिया होगा आपको इक्विटी शेयर में भी इन्वेस्ट करते हैं अपन उसमें थोड़ा मुझे गोल्ड में भी करना है थोड़ा रियल एस्टेट में भी करना है मैं खुद से नहीं कर पाऊंगा तो क्या करूं म्यूचुअल फंड करो आपका वो काम म्यूचुअल फंड कर देगा समझ रहे हो तुम लोग so, कि भाई गोल्ड का टोटल रेट 1995 से लेकर 2022 तक कितना था uh, निफ्टी 1995 से लेकर 2022 तक कहीं नहीं मिलेगा कोई बुक में नहीं मिलेगा कोई मतलब खाली की छोड़ो कहीं पे नहीं मिलेगा ये एनालिसिस का मेहनत किया है हम लोग ने एंड वी प्रेजेंटेड इन फ्रंट ऑफ यू सो दैट आप लोग मार्केट से भी कनेक्ट कर पाओ एंड ऑब्वियसली एंड ऑफ द डे सर हमारे को एग्जाम देना है तो हमारे को आईसीआई का कवरेज चाहिए लो ये लो आईसीएआई का कवरेज समझ रहे हो सो so, ये अपना पूरा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच एंड एवरीथिंग कॉन्सेप्ट और उससे रिलेटेड फिर चीजें और उसको भी डायग्रामेटिकली रखा है सो so दैट पढ़ने में मजा आए यही सेम चीज इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में भी है बट वो एक बार ओपन करके देखना और फिर बाद में ये देखना यू विल रियलाइज द डिफरेंस के उस सिस्टम से अपन ने इसको पुटअप किया है दैट इट बिकम्स वेरी बोलते हैं ना स्टूडेंट फ्रेंडली एंड पढ़ने में मजा आएगा अदरवाइज म्यूचुअल फंड का थ्योरी कोई पढ़ता नहीं है वो भी इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से खोल के तो कभी नहीं बट अब आपका मन करेगा क्योंकि काफी सारी चीजें और हर एक के बाद है ना मैंने एग्जाम्पल्स दिए मेरे जितने भी कॉन्सेप्ट है उसके बाद मैंने कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ एग्जाम्पल्स दिए सो दैट इट कैन हेल्प यू सो यहाँ पे अपन लोग लिखते हैं थैंक यू थैंक यू सो मच फॉर दॉजिटिव सो यहाँ पे अपन लोग लिख रहे हैं कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन एंड ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन के साथ खाली कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है इसी के साथ वेर एवर रिक्वायर्ड मैंने एग्जाम्पल्स भी पुटअप किया है मैंने एग्जाम्पल्स भी पुटअप किया है सो so, ये देखो हर एक चीज के पीछे सातवें एग्जाम्पल यहां पे देखो एक एग्जाम्पल दिख गया आपको कि भाई क्या हो रहा है आर्बिट्राज फंड अगर बोल रहा है तो क्या होता है वो वैसा सो so, मजा आएगा आपको वो पढ़ने में सिर्फ एक्साम्पल ईटीएफ है तो ईटीएफ का ट्रेडिंग कैसे होता है क्या होता है उससे रिलेटेड ऑल ऑफ दिस ठीक है, so, ये हो गया, अब थियरी मिल गया समझ में आ गया इसको डायग्रामेटिकली जहां जहां पे भी प्रेजेंट करना है वो हम लोग है पे पे भी भी हो को लिख दिया है, वन है, वहां पे मैंने सब देखो कॉन्सेप्ट के नीचे एग्जाम्पल भी लिख लिया है ऑल ऑफ दिस ठीक है डन सो ये समझ में आ गया आप लोगों फील आ रहा है कि यस सही जा रहे अपन एक्सप्लेनेशन प्लस अब उसके बाद में आ जाते है अपन लोग प्रैक्टिकल आईसीए के मॉड्यूल तो में है बाई डिफॉल्ट so अब यहां पे आ रहा हूं मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ अब अगर आप लोग आईसीए को जानते हो ना तो आपको क्या लगता है आईसीए पहले बेसिक क्वेश्चन देगा या आई डायरेक्टली हाय मीडियम लेवल या हाई लेवल क्वेश्चन से स्टार्ट करेगा नोइंग आईसीए आपको क्या लगता है वो क्या करने वाले मॉड्यूल में जो आईसीए का समझो मॉड्यूल है uh, उसमें आईसीए है बेसिक क्वेश्चन देगा या सीधा मीडियम लेवल हाई लेवल क्वेश्चन से स्टार्ट करेगा नोइंग आईसीए आपको क्या लगता है यस आईसीए मिक्स पैटर्न फॉलो करता है एंड यूजुअली जो मैंने नोट किया है वो लोग सीधा ना मीडियम लेवल से स्टार्ट करते हैं उनको लगता है आई बच्चा तो है ना जो है वो माँ के पेट से सब पढ़ के आया है उसको सब आता है उसको मॉड्यूल आप तो है आप लोग के पास तो सीनियर्स भी होंगे पूछ लेना उनको आईसीए बेसिक क्वेश्चन नहीं देता है वो एक लेवल से चालू करता है बट अपन तो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं अपने को कहा से पता चलेगा कि Uh, सीधा मीडियम लेवल पे मैं कैसे आऊँ एंड दैट इज वेयर वी विल डू इज फर्स्ट बेसिक चीजों के ऊपर आएंगे सो so यहां पे आप लोग देखोगे बेसिक कैलकुलेशन ऑफ नैब डेफिनेटली आईसीआई की बुक में ये नहीं मिलेगा बेसिक कैलकुलेशन ऑफ नैब डेफिनेटली आईसीआई यहां से स्टार्ट नहीं करेगा आईसीआई एक लेवल से स्टार्ट करेगा बेसिक कैलकुलेशन ऑफ नैब तो मेरा हर जो क्वेश्चन है ना वो पहले बेसिक से स्टार्ट होगा जो आईसीआई में नहीं है जो या तो सेल्फ मेड है ऑब्वियसली कहीं पे अगर होगा तो वहां से पिकडअप है सो दैट इज वेर वी विल से दैट यहां पे अपना पहले जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन में स्टार्ट करने वाला हूं आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद बेसिक क्वेश्चन समझे अब बेसिक क्वेश्चन के बाद मीडियम और हाई लेवल क्वेश्चन तो सीधी सी बात है आईसीए डालने ही वाला है सो so यहां पे अपन लोग आते हैं उसके बाद बेसिक क्वेश्चन के बाद मैं आता हूं यहां पे अप करता हूं मॉड्यूल अब मैंने यहां पे क्या पुटअप किया है मॉड्यूल अब ये देखो ये लेवल बढ़ते गया अब ये कैलकुलेशन ऑफ विद डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट और तीन बार आया है तो यहां पे मैंने आपको बता भी दिया है कि वो पास्ट पेपर में इंस्टीट्यूट ने पूछा है या नहीं पूछा है अभी अंडरस्टैंडिंग सो ये भी आ गया कैलकुलेशन ऑफ फिर बाद में एक कॉन्सेप्ट खत्म हुआ हर Concept के बाजू में रिलेटेड है कि भाई ये हुआ मिलेगा एग्जैक्टली दैट क्वेश्चन इज अबाउट समझी सो यहां पे मैं लिख देता हूं बेसिक क्वेश्चन उसके बाद में जाता हूं मॉड्यूल के पास उसके बाद में मैं यहां पर लिख देता हूं आर टी पी एम टी पी एंड पास्ट पेपर्स एंड मैं यहां पे नहीं रुकता हूं मैंने और एक एनालिसिस किया है एंड दैट इज ओल्ड सिलेबस का जो पीएम है वो भी लिया है एंड कुछ मेरे को जो लग रहे हैं कुछ एस के स्पेशल लग रहा है वो भी मैंने यहां पे डाल दिया है सो so, अब मेरे को बोलो क्वेश्चन वाइज लग रहा है आपको कि कहीं पे भी आपको कुछ और करने की जरूरत है मुझे बोलो क्या अपने बुक में सर आपने बेसिक क्वेश्चंस कवर किया है ये सर क्या आपने मॉड्यूल कवर किया है मॉड्यूल का एक एक क्वेश्चन एक एक वर्ड कवर किया है मॉड्यूल के ही लैंग्वेज में क्योंकि तुमको भाई वही चाहिए नो no प्रॉब्लम वो एक लैंग्वेज में किया है आर टी पी एम टी पी पास पेपर कवर किया है सर क्या लोग कुछ ओल्ड पी के भी क्वेश्चन हमने सुने है? सर सीनियर ने बोले आते हैं सर क्या आपका कुछ स्पेशल तड़का डालोगे क्या उसके ऊपर डेफिनेटली यार वो तो अपना स्पेशलिटी है है कि नहीं सो all of this is going to be covered अब मेरे को बताओ अगर इसको कर डाला तो क्या लाइफ झिंगा लाला 100% है कि नहीं सो so, all of this will be covered जब अपन लोग डिस्कस कर रहे होंगे और क्वेश्चन के साथ-साथ मैंने आंसर भी दिया इसलिए नहीं कि एग्जाम तुम लोगों को लिखवाना नहीं है अपन लोग लिखने तो वाले ही हैं बस एक-एक क्वेश्चन जो यहाँ पे है वो अपन लोग सॉल्व तो करने ही वाले हैं उसमें कोई डाउट ही नहीं है बट फ्यूचर में जवाब रिवाइज कर रहे हो और आपको नोट से आप अटक जाओ तो आप लोग के पास कुछ रेडी रहना चाहिए कि हाँ भाई चलो आ, मेरे पास यहाँ पे सोल्यूशन है इन केस में अटका तो सर ने यहाँ पे नोट लिखवा दिया है समझ रहे हो सर ने यहाँ पे उस हिसाब से अपना ये नोट बनाया कि मेरे को रिफर करने में काम आएगा समझे और एक चीज मैंने यहां पे ऐड किया बताओ क्या ये देखो जहां पे भी मॉड्यूल का क्वेश्चन है मैंने लिख दिया है मॉड्यूल क्वेश्चन

यस yes, एटी बार वेरी नाइस सो अब मैं आपने पूछा है क्या 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 तो मैं आपको बता देता हूं क्या यस yes, यही सब्जेक्ट ग्रुप क्लियर कर पाएगा एकदम सही मैंने क्या किया है पता है क्या अलग से पास्ट पेपर क्वेश्चंस यहां पे डाल दिया है. मतलब स्पेसिफिकली भाई पास्ट पेपर के जो क्वेश्चंस है वो तो मैंने अलग उधर कवर किए ही है बट लास्ट चार अटेम्प्ट के स्पेसिफिकली चार से पांच अटेम्प्ट के मैंने स्पेसिफिकली एक हेडिंग डाल दिया है पास्ट पेपर क्वेश्चन सो आपको अलग से कुछ देखने का जरूरत ही नहीं यहाँ पे वो सब चीज मिली जाएगी आपको सो पास्ट पेपर क्वेश्चन आपको दिख गया यहां ये yes. yeah, बाद में उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है आई थिंक ये एन ट्वेंटी टू होगा सो ये से फॉर एग्जाम्पल नवंबर ट्वेंटी टू हो गया फिर बाद में ये मे ट्वेंटी टू हो गया फिर दिसंबर ट्वेंटी वन फिर जुलाई ट्वेंटी वन जैन ट्वेंटी वन Are we guys? So, 20, past paper से उठा के क्वेश्चन डाल दिया क्योंकि एज अ स्टूडेंट मैं ना हमेशा ये चीज सब सब्जेक्ट में करता ही था मैं लास्ट चार अटेम्प्ट के सजेस्टेड करके जाता था स्पेसिफिकली तो मैंने बोला कि वो जो चीज मैं कर रहा था उसके लिए मेरा टाइम वेस्ट हो रहा था मेरे बच्चों को वो टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए मैंने स्पेसिफिकली लास्ट यस यस एवरीथिंग स्पेसिफिकली मैंने उसको पिकअप कर लिया है एंड ले भाई ऑल योर्स ऑल योर्स तो ये लो तुम लोग ये सब भी कर लो बराबर से है कि नहीं एंड बोल रहे भी कवर हो गया होगा स्टार्टिंग में भी बट अब स्पेसिफिकली मुझे देखना है नहीं 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 अब भी मेरे लास्ट रिसेंट मेरे पांच अटैम्प में क्या क्या है वो मुझे देखना है वो तो एक देखने का एक एज अ स्टूडेंट अपने को कहीं ना कहीं एक एक्साइटमेंट uh, बोल लो या एक रहता ही है दैट इज वॉट आई विल डू आई हैव डन हियर सॉरी सो मे ट्वेंटी टू का पेपर आ गया यहाँ पे दिसंबर 21 में क्या पूछा था आ गया फिर बाद में से फॉर एग्जांपल जुलाई 21 में क्या पूछा था आ गया समझ समझी जैन 21 में तो अगर आप लोगों को पता होगा तो कोविड की वजह से जैन 21 में एग्जाम हुआ था जुलाई 21 में एग्जाम हुआ था फिर बाद में दिसंबर नवंबर की जगह दिसंबर में एग्जाम हुआ था ट्वेंटी में सो so, वो उस हिसाब से इधर अपन लोग ने लिखा है राइट नवंबर ट्वेंटी में एग्जाम हुआ था वो भी यहाँ पे लिखा है उसके अलावा नवंबर ट्वेंटी के पहले के जितने भी सारे क्वेश्चन है वो इंस्टीट्यूट ने मॉड्यूल में ऑलरेडी डाल दिए है नवंबर के पहले के जितने भी क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने, ने मॉड्यूल में डाल दिए हैं तो मॉड्यूल तो अपन कवर कर ही लिया हर एक वर्ड तो उसके बाद अलग से अपने को करने का जरूरत नहीं और फिर पेपर से रिलेटेड क्वेश्चन अगर इंस्टीट्यूट ने पूछा है तो भाई वो भी यहां पे आ गया है अभी अंडरस्टैंडिंग यस आप लोग को फिर से पास्ट पेपर्स एसएफएम का उठाने का जरूरत नहीं है अगेन आई एम टेलिंग यू फुल प्लानिंग के साथ हमने ये बुक बनाया है एंड फुल प्लानिंग के साथ हम लोग आपको प्रेजेंट करने वाले हैं प्लीज यूटिलाइज इट टू द मैक्सिमम एक्सटेंड अब देखो थियरी क्वेश्चन अभी अपन लोग ने देखा कितना इंपॉर्टेंट है सर करना ही है चार मार्क का थियोरी क्वेश्चन पूछता 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 ही पुछता ही है है ये लो रेडी क्या चाहिए और आपको राइट right? यही चाहिए था डन यस हंड्रेड परसेंट फुल कॉन्फिडेंस आ जाएगा मेरी गारंटी है और अभी तो आज जब मैं आप कुछ और चीजें पढ़ाऊंगा नेक्स्ट लेवल जाएंगे अपन डोंट वरी सो ये आपका पूरा सिस्टम है ये देखो आ गया पास्ट पेपर अभी यहां पे एक ओल्ड पीएम में से मुझे लगा कि ये थ्योरी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बट इंस्टीट्यूट के नए वाले में कहीं पे कुछ नहीं है तो वो भी मैंने ले लिया ओल्ड पीएम का थियोरी क्वेश्चन मुझे इंपॉर्टेंट दिखा है बॉस वो भी मैंने यहां पे ले लिया है एक एक चीज मैंने एनालिसिस किया है बिफोर प्रेजेंटिंग एनीथिंग इन द बुक ट्रस्ट मी ऑन दिस मतलब एक्सटेंसिव रिसर्च करके ये बुक बना रहा हूं आप लोग मैं एक भी चीज कहीं का भी नहीं छोड़ने वाला हूं इंस्टीट्यूट का छोड़ो कहीं का भी नहीं छोड़ने वाला हूं याद रखना वाह ऑन गाइस गाइज सो आई होप विथ दिस क्लैरिटी ऑफ द बुक तो कंटेंट अच्छा है सर नो प्रॉब्लम एट ऑल जो हमको चाहिए एज अ स्टूडेंट वो सर इसमें सब है चलो तो ये चीज का क्लैरिटी आ गया मतलब आधा तो आपको एक कहीं ना कहीं वही सिक्योरिटी है you know कि आपके पास एक वन स्टॉप सॉल्यूशन बुक है बिकॉज अदरवाइज तो अपन आधा टाइम इधर उधर ही भटकते रहते हैं और जो मैंने थेरी भी लिखा है ना ये जो मैंने थेरी क्वेश्चन लिया है वो खुद का नहीं है वो इंस्टीट्यूट का ही लैंग्वेज का है बॉस ये इंस्टीट्यूट का ही लैंग्वेज है देख लेना इंस्टीट्यूट का ही पास पेपर का क्वेश्चन का तो इंस्टीट्यूट का जो सजेस्टेड है ना नवंबर 20 का उसका ये क्वेश्चन देख लेना साइड पॉकेटिंग का और उसका ये आंसर देख लेना साइड पॉकेटिंग का

क्या इसको एक टेबुलर फॉर्म में तो इंस्टीट्यूट का लैंग्वेज तो आई क्या आपको उसको इजी बनाने के लिए एक पे मैंने फॉर्म भी डाल दिया समझ रहे सो डिफॉल्ट इंस्टीट्यूट तो आई इंस्टीट्यूट ने ना आर्बिट्राज फंड के बारे में इतना बोल दिया है बट मुझे पता है कि उससे आपको नहीं समझेगा तो मैंने क्या किया बाजू में एक यस yes, एक एग्जाम्पल भी बना दिया सो so इससे ये इंस्टीट्यूट का लैंग्वेज आ गया ये जो एक एग्जाम्पल है कौन यूज करता है वो वो आ गया इंस्टीट्यूट ने नहीं लिखा है बट अपने पास वो एडिशनल नॉलेज आ गया प्रैक्टिकली वो कैसे एडमिस्ट्राज फंड वर्क करता है यहां पे वो मैंने लिख दिया समझ एवरीबॉडी आई क्लियर चलो सो so, ये जो थियोरी यहां पे मैं लिख रहा हूं मैं ये इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल का थियोरी है उसको एक बेटर वे में अपन लोग ने यहां पे प्रेजेंट किया है सो आई होप वी आर क्लियर विद दिस एज वेल राइट सो यहां पे लास्ट में एक लिख लेता हूं प्लस समरी ठीक है सो एक 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 अगर मेरे को बुक चीजें लिखनी है सो यह है यहाँ पे देखो मोटिवेशनल कोट आईसीआई मार्क्स एलोकेशन चैप्टर वाइज फिर स्टडी ये देखो ये आईसीआई मार्क्स एलोकेशन भी अपन लोग करते हैं एज अ स्टूडेंट कि ये चैप्टर में से लास्ट तीन चार अटैप्ट में कितने मार्क का है, देख तो जरा होता है ना आदत होता है तो ना आप देख तो जरा पांच कितने मार्क्का है इंपॉर्टेंट नहीं है तो छोड़ नहीं करता हूं वो सब मैंने यहाँ पे बना दिया है आपको अलग से टाइम डालने का जरूरत नहीं आप प्रैक्टिस में टाइम डालो पे स्टडी मेंटर प्लानिंग के लिए प्रीव्यू में समरी प्लस फॉर्म्य राइट फिर एक्सप्लेनेशन एग्जांपल्स फ्रॉम मॉड्यूल प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बेसिक वाला क्योंकि वो ICI नहीं देगा मॉड्यूल का आरटीपी एमटीपी का पास पेपर का कुछ एसके स्पेशल कुछ ओल्ड पीएम और प्लस एंड क्वेश्चन क्वेश्चन जो आईसीआई पूछ सकता है ठीक है ना ये जो कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन है इसमें तो थ्योरी दिया ही है बट थियस जो आईसीआई पूछ सकता है उसको भी मैंने कवर कर लिया है दिस इज वॉट योर ऑप्टिमाइज इज गोइंग टू लुक लाइक एस एफ एम का ऑप्टिमाइज भी वही हाई लेवल का होगा जो लेवल का आप लोग ने ऑप्टिमाइज इन जनरल देखा है समझ में आ गया कैन आई से एग्जॉस्टिव है क्या इसके बाद एक वर्ड भी आपको करने की जरूरत है क्या द आंसर इज नो बट फिर भी डे यू एन मी आर कि इंस्टीट्यूट ने आरटीपी में कुछ नया डाल दिया या ने कुछ कुछ एडिशनल ले आया, we can always add that. कोई प्रॉब्लम नहीं है। है? हो गया? ठीक अब वो कॉन्फिडेंस आ रहा करके दिखाना है एंड विल बी एबल टू प्रूव इट सो ये पूरा का पूरा चीज क्लियर हो गया आपने को? डन है ओके दिस इज द जो मुझे मैजिक बुक कब आएगा ये तो डिटेल्ड बुक हुआ ना बॉस अपना, भाई ये तो अपना हुआ. तो मतलब एक -एक का चप्पा -चप्पा, कोना -कोना ने कर लिया राइट right? अब इसी से रिलेटेड मैजिक बुक भी आएगा आप लोग के पास ऑब्वियसली विद टाइम फिर बाद में वी विल बी पुटिंग अपीजन सेशन करेक्ट कहां पे डालेंगे अपन डेफिनेटली ये रिविजन सेशन आपको मिल जाएगा अपने में यूट्यूब पे एट द सेम टाइम ये जो है मैं इसमें आप लोग एक बात बता दू ये रिविजन सीरीज में मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन का भी रिविजन सेशन लूंगा बट दैट विल बी बिफोर योर एग्जाम्स क्योंकि अभी से मैं रिवीजन ही आप लोग को उस वो आदत नहीं डालनी अपने को पहले एक्सटेंसिवली पढ़ना है फिर रिवीजन के टाइम पे रिवीजन और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का मैं रिवीजन लूंगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ये तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन का रिविजन होगा एंड ऑब्वियसली एग्जाम के टाइम पे अपना मैराथन भी होगा अब आप लोग मेरे से पढ़े हुए हो तो वो एक एक फ्लो है अपना वेवलेंथ बैठा हुआ है प्रैक्टिकल क्वेश्चन रिविजन ऑब्वियस है कि थियोरी का तो रिविजन होना ही होना है एंड मैराथन एट द एंड ऑफ द एग्जाम ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन विल कवर ईच एंड एवरीथिंग यस सो हमने हमारी टीम ने काफी मेहनत की है इस चीज के लिए प्लीज अब द बॉल इज इन नाउ इन योर कोर्ट सो हम लोग हमारा टू हंड्रेड परसेंट देना चाहते हैं थ्रू थ्रू द बुक्स टू हंड्रेड परसेंट मिल गया आपको आप अपना और इक्वी दे दो हंड्रेड टू टू हंड्रेड परसेंट चार चार लग जाएंगे ए समझू एवरीबॉडी ओके सो ये पूरा आप लोग को सिस्टम समझ गया and then the most important thing is that writing makes a man perfect अपने चार टेस्ट होंगे कैसे होंगे ये चार टेस्ट डिवाइडेड आप लोगों को अब तो पता चल ही होगा चार टेस्ट में रखने वालों कैसे होंगे ये चार टेस्ट बोलो बोलो चल चल चल। शायद ये जो चार टेस्ट है ना वो इंडिया लेवल चार टेस्ट होंगे सो इट गोइंग टू भी डिफरेंट थिंग अभी मैं फिलहाल उसके बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगा जब होगा तब तो मैं बताऊंगा बट टेस्ट होने वाला है यह बात कंफर्म है कैसे होगा ये चार टेस्ट कोई मुझे बता सकता है करेक्ट इट विल बी फेज वाइज फेज वन फेज टू फेज थ्री फेज फोर यस समझे सो ऐसा भी नहीं कि एकदम चैप्टर वाइज मैंने एक चीज नोट किया एकदम चैप्टर वाइज में भी स्टार्टिंग में आप जोश जोश में दोगे बट फिर लगे अरे यार इतना सारा कौन देगा आप लोगों के पास भी टाइम नहीं रहता है चैप्टर वाइज इज अवेलेबल बट वो आप लोग अलग से कर सकते हो मेरे को जो मेजरली लेना है ना वो मैं ये वाला चार लूंगा बाकी चैप्टर वाइज आपको चाहिए तो माई टीम इज देर अवेलेबल बट ये जो है ये आपका मेन टेस्ट होने वाला है प्रोबली इंडिया लेवल रैंकिंग टेस्ट में लाने वाला हूं एंड यस लास्ट में एक फुल सिलेबस टेस्ट लास्ट में एक फुल सिलेबस टेस्ट बोलो और क्या चाहिए सही है डन सो so, this is how the whole system is going to be this is how the whole system is going to be got it everybody sab logo ko samajh mein aa gaya clarity aa gaya books ka paper pattern ka अपन कैसे approach करने वाले हैं क्या क्या chapters है S.F.M एफ एम में सब चीज समझ में आ गया तुम लोगों यार एक्साइटेड Absolutely यार yeah. एब्सोल्युटली

काफी अपने डिस्कशंस हो गया अपना अब आप लोगों को पता चल गया है और खाली बातें नहीं नोट्स के थ्रू अपन लोग ने डिस्कस किया है समझ बोल दो एक बार चलो क्लियर है डन है और ये नोट्स का सॉफ्ट कॉपी भी मोस्टली हम लोग अवेलेबल करवाएंगे सो डेफिनेटली यू विल हैव ऑल ऑफ दिस विद यू सो सब चीज होने वाली है तो मैंने देखो आप लोग के साथ इंट्रोडक्शन हो गया मेरा जेपी मॉर्गन का एक्सपीरियंस आप लोग के साथ शेयर किया इकोनॉमिक टाइम्स आप आप लोग ने आप लोग ने प्रॉमिस किया करने वाले हो ठीक है और मैं आपको मैं आपको ना जब जेपी मॉर्गन में था ना तो वहां पे हम लोग का टीम था असेट मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल ड्यू डिलीजन जैसा मैंने बोला वहां पे सिक्सटी लोग थे एंड देर पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ मतलब मुझे लगा था कि चार्ट अकाउंटेंट मतलब मैं ही मैं हूं बट देव सी एफ एज ऑल्सो सो so, मेरा उनके साथ एक कम्युनिकेशन हुआ हुआ है वर मेरा उनके साथ कम्युनिकेशन एक एम बी ए कैसे सोचता है सी एफ ए कैसे सोचता है आज भी बोलो के साथ मैं नेटवर्क में हूं एस एफ एम का पोर्शन डिस्कस हो गया पेपर एंड पेपर पैटर्न डिस्कस हो गया बुक का डिटेलिंग अपना डिस्कस हो गया फेज वाइज अपन कैसे पढ़ने वाले हैं एंड टेस्ट सीरीज होने वाला है वो डिस्कस हो गया रिवीजन लेक्चर में थियोरी प्रैक्टिकल मैराथन एंड लास्ट में मैं कुछ प्रिडिक्शन दूंगा जो आई विश आ जाए तो सोने पे सुहागा हो जाए अभी अंडरस्टैंडिंग गाइज सो दिस इज हाउ वी विल वर्क अप एवरीथिंग ऑलराइट गाइज हाँ एक और चीज मेरे को कुछ स्टूडेंट ने पूछा था कि सर आई एम डूइंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम सर मैं फर्स्ट टाइम आपका ये बैच अटेंड कर सकता हूं क्या अरे डेफिनेटली ये फर्स्ट टाइम आप बैच अटेंड कर सकते हो उसी के लिए तो है सो इवन फ्रेशर्स कैन ज्वाइन कोई प्रॉब्लम नहीं है फॉर्मूला सर डिराइव करेंगे अपन यस yes, हर एक फॉर्म्यूला डिराइव करवाऊंगा आप लोग के पास से और ये डिराइव कैसे करूंगा पता है आप लोग को एक एग्जांपल दूंगा मैं प्रैक्टिकल लाइफ का मेरे पास हर चीज का एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है सीधा आप लोगों को पूछूंगा आप लोग उसका आंसर दोगे मेरे साथ डिस्कशन होगा कॉन्सेप्ट का फॉर्मूला डिराइव यस दिस इज हाउ द अप्रोच विल बी एंड हर एक क्वेश्चन का जहां पे भी थ्योरी है वो भी अपन लोग कवर करेंगे समझ गए सब लोग पूरा ब्लू आप लोग को क्लियर हो गया है अपन लोग क्या क्या करने वाले हैं ठीक है थीके? ये जो भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूं वो सब आप लोग के साथ शेयर किया जाएगा ऑन माई गूगल ड्राइव सो वो भी आप लोग के पास आ जाएगा ग्रेट है ग्रेट है तो चलो भाई अब मैं आप लोग को क्या बोल रहा हूं बताए विद दिस क्लैरिटी स्टार्ट करते हैं अपन लोग बट डेफिनेटली एक छोटा सा ब्रेक मैं दूंगा अभी आप लोगों को uh, क्योंकि काफी आप लोगों ने ग्रेस्प कर लिया है ठीक है मैं भी पानी वानी पी लेता हूं कुछ चाय मंगाओ यार मेरे लिए चल सो आई डू माय वर्क पांच मिनट का अपन लोग एक छोटा यस ब्रेक लेंगे, and break के बाद अपन स्टार्ट करने वाले हैं क्या ब्रेक के बाद अपन स्टार्ट करने वाले हैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्या आपको लगता है कि मैं सीधा चैप्टर से स्टार्ट करूंगा कोई आज फर्स्ट डे है नहीं स्टार्ट करूंगा मैं नो नो नहीं आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे ये मैं को एक बात बताऊं तुम लोग को मैं अगर कुछ ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट से कनेक्ट करूं फर्स्ट डे पे एकदम इजी वे में डोंट वरी कोई एकदम डिफिकल्ट नहीं एकदम इजी वे में तो क्या तुम लोग इंटरेस्टेड होगे वो सुनने के लिए अगर हाँ देन दैट इज वॉट गोइंग टू डू अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स एंड उसको अपन लिंक करने वाले हैं विद, ऑब्वियसली फाइनेंशियल सिस्टम्स के साथ और ऑब्वियसली उसको अपन लिंक करेंगे इंडिया के साथ मजा आने वाला है क्या बोलते हो पब्लिक यस, ऑफ कोर्स, तो बस मिलते हैं आई थिंक फाइव मिनट्स का ब्रेक मैक्सिमम मिलते हैं ब्रेक के बाद जहां पे अपन स्टार्ट करने वाले हैं ये एक नई दुनिया तुम ये कुछ लिखना है तुम लोग ब्रेक में लिख सकते हो मैं पन्ने पलटा दूंगा एंड यू हैव एवरीथिंग और कुछ क्वेश्चंस है तुम लोग कुछ लो इफ नॉट गो फॉर ब्रेक मिलते हैं फर्स्ट डे के सेकंड पार्ट में ब्रेक के बाद एंड आना बहुत मजा आने वाला है क्योंकि वहां पर मैं कनेक्ट करने वाला हूं इसको किलर होने वाला है चलो लेट्स वेट एंड वॉच